ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत लोगों का। अरे यार ठीक से हो जाना। रोल कैमरा एक्शन। हाउ टू फाइंड योर ट्रू पैशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लोग कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि उनका पैशन है क्या। इस वीडियो का एंड तक देखते रहो, आपका ये कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा। सवाल ये है कि हमें अपना पैशन पता कैसे लगेगा। ये सवाल क्यों उठता है, क्योंकि जो हमारा मन है वो बहुत जगह जाता है, बहुत ज़्यादा। कभी आपको ये पसंद आएगा, कभी वो पसंद आएगा, कभी कुछ कभी कुछ। हमें पता कैसे लगेगा हमारा पैशन क्या है, है ना। सही बात है, तो उसको कैसे ढूंढने वही मैं आपको बताऊंगा। इसको बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। जो आपकी मन की आवाज़ होती है ना और जो आपका ट्रू पैशन है, उसमें बहुत डिफरेंस है। इसके लिए आपको लाइक और लव के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गार्डन में गए, आपने एक फ्लावर देखा, बहुत खूबसूरत, अट्रैक्टिव, आपको बहुत पसंद आया, आपने उसे प्लक कर लिया क्योंकि आपको वो पसंद आया था। आपने कुछ देखा, स्नैप वगैरह डाली, फ़ोटो फेंक दिया। और वहीं दूसरा बंदा है, उसने वो फ्लावर देखा, वो फ्लावर से उसको प्यार हो गया। मान लो फ्लावर लवर है, वो उस फ्लावर की मेंटेनेंस करता है, रोज़ उसमें पानी डालता है, रोज़ उसको सनलाइट प्रोवाइड करता है। वो आपको क्या, आपके बाप को भी उसको उखाड़ने नहीं देगा। ये होता है लव। लाइकिंग जो होती है वो परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी होती है। जो लव होता है वो आपका परमानेंट होता है। ये दोनों चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो आपके मन से और आपके पैशन से। जो आपकी मन है, जो आपका मन है, वो सिर्फ लाइकिंग के बेस पर है। जो आपका पैशन है वो परमानेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपको ढूंढना कैसे है पैशन वो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास 3-4 काम है जिसमें आप कन्फ्यूज़ हो कि भाई मेरा पैशन है क्या, मैं कैसे पता लगाऊँ। तो आपको अपने मन को रोकना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि वो मन जा कर रहा है, ठीक है। उसको जाने दो जहाँ वो जा रहा है। एक काम में लगाओ, उस काम को आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 1 महीना 2 महीना 3 महीना करो उस काम को। अगर आपको उस काम को करने में मेहनत लगानी पड़ रही है, उसको हाईलाइट करना, लगानी पड़ रही है, लग नहीं रही, तो वो आपका पैशन नहीं है। अगर आपकी मेहनत दूसरों को दिख रही है, आपको नहीं दिख रही, तो आपका वो पैशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पढ़ना किसे पसंद है, मैं मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ता था रोज हो के। 1 घंटा पढ़ते ही उठ जाता था तो मम्मी बोलती थी बस उठ गया। तो मैं बोलता था हैं यार, मैं तो इतना मैंने एफर्ट डाला, इतना हार्डवर्क डाला है, उसके बाद आप बोल रहे हो बस पढ़ लिया। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपनी तरफ से पूरा ज़बरदस्ती हार्डवर्क कर रहा हूँ। वहीं पे दूसरा बंदा है, उसे टाइम का पता ही नहीं लग रहा, 5-6-8 घंटे ऐसे निकल गए हैं, पता ही नहीं लग रहा। मम्मी आ रही है खाना लेकर कि बेटा तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, ले कुछ खा ले। हो सकता है वो उसका पैशन। और एक और चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हो कि वो आपका पैशन है या नहीं, कि आप उस काम को क्या पूरी लाइफ टाइम कर सकते हो। अगर आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, क्या आप उस काम को बिना पैसे के भी कर सकते हो, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी खुशी के साथ उस काम को कर सकते हो बिना पैसे के, बिना एप्रिसिएशन के, बिना रिवॉर्ड के, तो वो डेफिनेटली आपका पैशन है। एक और पॉइंट है जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या आप उस काम को बंद कमरे में पूरे ध्यान के साथ उस काम में खोकर उसको कर सकते हो, जहाँ पे एक बंदा भी नहीं है आपको अप्रिशिएट करने वाला, और बहुत लंबे समय तक कर सकते हो, 1-2 दिन की बात नहीं। तो मेन चीज़ बस आपको ऑब्जर्व करना है, आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या मैं इसमें हार्डवर्क कर रहा हूँ या फिर मेरा मन कर रहा है इसमें हार्डवर्क करने का। जिस काम में हार्डवर्क करना पड़े ज़बरदस्ती, वो पैशन नहीं है। जिस काम में हार्डवर्क ऑटोमेटिकली हो जाए, वो आपका पैशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 बंदे हैं, एक को डांस बहुत पसंद है, एक को डांस पसंद नहीं है, ठीक है। जिसको पसंद नहीं है उसको घंटे के हिसाब से डांस के पैसे मिल रहे हैं, मान लो 5,000 रुपये मिल रहे हैं घंटे के हिसाब से, और जो दूसरा बंदा है उसको 0 अमाउंट मिल रहा है। दोनों डांस करते हैं, जो पैसे जिसको पैसे मिलने वाले हैं वो आधे घंटे में ढेर हो जाता है, उसको पसंद नहीं है डांस, वो थक जाता है बुरी तरीके से। और जो दूसरा बंदा है जिसको पैसे नहीं मिल रहे हैं,
काम उसको इतना पसंद है, उसको टाइम दिखा भी नहीं, 3-4 घंटे ऐसे निकल गए और उसके बाद भी उसके मुंह पर स्माइल है और कोई थकान नाम की चीज़ नहीं है, तो वो आपका पैशन है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब उस काम को कर रहे हो तो सिर्फ उसी काम को करना है, उसके आगे की नहीं सोचनी इस टाइम पर कि इससे मैं कितना पैसा कमा पाऊँगा, मैं कहाँ जा पाऊँगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं नीचे गिर गया, ये सब उस टाइम पर नहीं सोचना। सिर्फ आपको ये सोचना है कि आपको उस काम में मज़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो वो आपका पैशन है। आपको टाइम नहीं पता लग रहा कि कितना टाइम सुबह से रात हो गई है आप उस काम को करते हुए जा रहे हो, आपको दर्द का कोई एहसास नहीं है, वो आपका पैशन है। अब आप कुछ लोग आप में से बोलेंगे, बोल सकते हैं कि भाई अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें ना, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू को, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू को, तो हम उस चीज़ को चूज़ क्यों करेंगे, है ना? सही बात है। तो वो जो स्टेप है वो आप दूसरा स्टेप बता रहे हो, सीधा दूसरे स्टेप पे नहीं जाना, अभी पहला स्टेप तो क्लियर करो, अपना पैशन तो ढूंढो, किस चीज़ में आपको जाना है ये तो ढूंढो, उसके बाद ही हम ढूंढेंगे ना कि उसमें आगे कैसे जाना है। उससे पहले तो ये ढूंढेंगे ना कि किस में जाना है, फिर ढूंढेंगे कैसे जाना है। वो चीज़ दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ आपका पैशन बन सकता है। अगर उस काम को दुनिया में एक भी बंदा कर रहा है या एक नहीं भी कर रहा है तो आप वो काम ज़रूर कर सकते हो, डेफिनेटली। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जो कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ को लेकर, उनको क्या करना है। और अगर आपके पास कोई सवाल है हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, मार्शल आर्ट्स, कैलिस्थेनिक्स, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।